बहुत से एमएस वर्ड यूजर का कहना होता है कि हमें हिंदी टाइपिंग नहीं आती, लेकिन जब भी हम कीबोर्ड से इंग्लिश टाइप करें तो हिंदी टाइप हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, तो ये वर्ड लिखा है दोस्तों। आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में टाइप करूं और हिंदी में इनपुट हो, तो कैसे हो सकता है एमएस वर्ड के अंदर? दोस्तों यहाँ पर बहुत सी यूजर ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती, उन्हें इंग्लिश आती है, इंग्लिश के साथ वो इनपुट टूल्स यूज करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हिंदी कैसे टाइप करें? तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने सिस्टम के अंदर एक इनपुट टूल्स इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पर आपको टाइप करना है भाषा इंडिया, एंड दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मिलेगी। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, एंड वेबसाइट ओपन होने के बाद आप हिंदी नहीं और भी लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर एमएस वर्ड में हिंदी टाइप की बात हो रही है, तो हम हिंदी का जो इनपुट टूल्स है इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ऐड करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड हो चुका है, एंड आपको जाना है सिस्टम के डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। हम जाते दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर के अंदर, यहाँ है डाउनलोड वाला फोल्डर, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड ओके पे क्लिक करते हैं। एंड फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं हिंदी इनपुट उस पर, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। एंड यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है इसको, एंड क्लोज कर देना है आपको। क्लोज करने के बाद फिर से आप एमएस वर्ड खोलिए। अब यहाँ पर आपका पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है हिंदी इनपुट टूल्स। आपको टास्क बार के नीचे आना है सिस्टम के, एंड यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यही वर्ड नीचे लिखता हूँ उसके, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। तो देखा दोस्तों, तो इस तरह से हम इंग्लिश टाइपिंग में हिंदी वर्ड लिख सकते हैं। अगर हमें हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो आप इसका यूज करें, काफ़ी अच्छा है, और आपके हिंदी से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो आप आसानी से कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती। अब इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, देखिए मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट आउट आपको दिख रहा होगा, है ना। आप किसी को मेल करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।